स्कूल में सफाई कर कचरा जलाने के दौरान ब्लास्ट, झुलसी मासूम, अभिभावकों ने उठाए सवाल। जिला पंचायत सीईओ रोहित सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न, लंबित पत्रों की हुई समीक्षा। फिल्म पद्मावत के नहीं सुधर सके नक्षत्र, राजपूत समाज ने शहर में सिनेमा हॉल संचालकों से की मुलाकात, जताया शांतिपूर्ण विरोध। और छोटा बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में मनाई गई संत श्री चौबे बाबा की जयंती, पूजन अनुष्ठान के साथ हुए भजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं संस्कृति जैन। और अब खबरें विस्तार से। रौना कन्या माध्यमिक शाला की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रिया नामक बच्ची इस समय जिला अस्पताल में है और बुरी तरह झुलस जाने के कारण उसका इलाज बर्न वार्ड में जारी है। प्रिया स्कूल गई थी बाकी बच्चों की ही तरह पढ़ने, लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक कचरा साफ कर जब उसने जलाने की कोशिश की तो यह दुर्घटना घटित हुई। तो समझ में नहीं आया सर, तुरंत उसके बाद भी हम लोगों ने चेक किया उसने, ऐसे कोई प्लास्टिक की बॉटल या ऐसा कुछ हमको मिले यहाँ तो कोई प्रैक्टिकल का ऐसा मेरे स्कूल तक के तो ये कोई काम ही नहीं। केमिकल हो ऐसा कागज के अलावा कुछ नहीं डालते हम। तो एक बार मान सकते हैं लड़कियों के साथ में तो वो चीज को हम लोगों को बिल्कुल हम लोग इतने सुरक्षित रहते हैं कम से कम। मेरा मानना ये है ब्लास्टिंग जैसी चीजें नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ एकदम से भड़की होगी यार। नहीं नहीं कुछ फूटा सर, आवाज आई आवाज। ये शनिवार की घटना है, तो हम को लड़के लेकर आया भट्टे से और हम आए घर पर, देखे तो लड़की जली हुई मिली हमको। हमने सर को बोले, सर ने प्राइवेट में एक दिन इलाज करवा दिया, उसके बाद वो आए नहीं। हमको लड़की ज़्यादा सीरियस दिखानी तो हम सरकारी में लेकर आ गए, उसको भर्ती करवाए। सर ने उसको बोले थे कि कचरा फेंक कर आना बेटी, तो कचरा फेंकने गई उसने विस्फोट हो गया, उसको भी ध्यान नहीं है लड़की को भी। ये तो सर लोगों की गलती है कि लड़का बच्चे के हाथ कचरा ना फेंकवाए और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे। सर लोग क्या है आजकल लापरवाही कर रहे हैं पढ़ाई में। रौना कन्या माध्यमिक शाला की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मासूम प्रिया बंदेवारी भी बाकी बच्चों के साथ सफाई में जुटी। कचरा इकट्ठा हुआ और जलाने की कोशिश प्रिया ने की, तभी ब्लास्ट हुआ, उसमें प्रिया का चेहरा भी बुरी तरह झुलस गया। इस भयावह दुर्घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं, जवाब बनकर कई लेम एक्सक्यूज भी तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर जिम्मेदार कौन, दोषी कौन? और दोष तय हो भी तो प्रिया के घाव क्या दोष तय हो जाने की सफाई से भर जाएंगे? घटनाक्रम यह सर कि कचरा जैसा रूटीन में जला के रखते हम लोग 8-8 दिन के, इसमें उस टाइप के कागज का कचरा वो जला दिया गया था और वो बच्ची अपने क्लासरूम के डस्टबिन में जो कुछ कागज पड़े हुए थे वो उसमें डालने के लिए गई। उसका वो कागज डालना हुआ और उसी समय कोई चीज उसके अंदर से ब्लास्ट हुई, जिसके कारण वो पूरी भाप या आग की जो ये है उसके फेस पे आई। ये बताइए स्कूल प्रीमाइसिस के भीतर कचरा जला रहे हैं आप, ये आपको ऐसा नहीं लगता डेंजर हो सकता है छात्राओं के लिए, खासतौर पर जब ये सब घटना हुई? मध्याह्न भोजन वगैरह सभी यहाँ बनता सर, कचरा और रूटीन में हमेशा जैसा हम लोग करते हैं वैसे कागज का कचरा भर जलाते हैं उसमें हम लोग, बाकी तो कुछ उसमें रहता ही नहीं। ये घटनाक्रम के बाद से कुछ सबक लिया, आज भी कचरा जला हुआ? नहीं, वो उसी दिन का जला हुआ है, आज नहीं जलाया हमने। अब भविष्य में ये करेंगे कि हम यहाँ कचरा ना जला के अब उसको बाहर व्यवस्था करेंगे उसकी। अभी इस घटनाक्रम से सबक लिया लेना ही पड़ेगा सर, अब घटना तो घटी। जिला पंचायत सीईओ रोहित सिंह ने आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर लंबित पत्रों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। सीईओ रोहित सिंह ने बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणामों के लिए प्रेरणा संवाद के बेहतर क्रियान्वयन, गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों त-
तथा 31 जनवरी को पातालकोट क्षेत्र में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के संबंध में भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। और काफी दिन हो गया उसके बाद आया नहीं उसके पास, तो दिखा लीजिएगा कि वो क्या इशू है, क्योंकि वो सब मोबाइल से संबंधित हैं और गाड़ी के पैसा ट्रांसफर करने के उसमें, क्योंकि कुछ हमने जब उसकी जांच कराई उसमें त्रुटियाँ ठीक पाई गई थी। ये क्या है, युवतियों बालिकाओं को पुलिस भर्ती हुए ड्राइवर क्या है इसमें, मतलब जैसे आदिवासी एवं विकास निगम के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बाद फिल्म पद्मावत का विरोध लगातार जारी है। शहर में आज राजपूत समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सिनेमा हॉल संचालकों से मुलाकात कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। जाहिर है यह विरोध ही था। वो हमारी दिया गया है, हम किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि छिंदवाड़ा अमन और शांति का टापू है, इस अमन और शांति के टापू में उस भंसाली की नजर लगे। तो हमारा आपसे निवेदन है, हम आज निवेदन कर रहे हैं, एक बार और निवेदन कर लिए हैं, और कल बोलो तो कल निवेदन करने जाएंगे। आवेदन निवेदन इसके बाद धनाधन इसकी बात। हम लोगों ने एक आपसे निवेदन करके गए थे, कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिए थे। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने हम लोगों की राजमाताओं की भावनाओं की कदर करते हुए उनका सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश में माँ पद्मावती के जो चरित्र पर आधारित फिल्म बनी है भंसाली ने, उसमें जो अपनी मर्यादा का जो उल्लंघन करना था उसका राजपूतों ने पुरजोर जवाब दिया और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें बैन लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन को हटा दिया है। हमारा आपसे निवेदन है कि छिंदवाड़ा अमन और शांति का टापू है, इसमें भंसाली की नजर ना लगे। हमने आपसे निवेदन कर लिए है, आवेदन कर लिए, हम ऐसी स्थिति में ना आए कि हमारे में इतिहासियों का राजपूतों का खून उबाल मार पाए और हमको अपनी यहाँ पर राजपूतों की शक्तियों को दिखाना पड़े। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी भावनाओं की कदर करेंगे, है ना, और आपसे हम यहाँ सामूहिक रूप से आपसे आश्वासन चाहते हैं कि आप हमारी भावनाओं की कितनी कदर। मैंने पहले भी अपन कलेक्टर में भी दिया था, यहाँ भी दिया था उस हिसाब से, और मूवी को देखते हुए कि इससे हमारे राजपूत समाज और हिंदू समाज को नुकसान है, यानी तो आस्था के ऊपर विरोध है, तो नहीं लगने देंगे हम, बहुत कोशिश करेंगे हमारे यहाँ कार्निवल सिनेमाज में नहीं चलेगी। हिंदू समाज का युवा और खासकर राजपूत युवा माँ पद्मावती के सम्मान में आज उतरा है। हम लोगों ने जिलाध्यक्ष को भी इसके पूर्व में ज्ञापन दिया था और आज भी हमने सभी को शांतिपूर्वक यह संदेश दिया है कि माँ पद्मावती के सम्मान में हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह पद्मावत जो भंसाली ने फिल्म बनाई है वह फिल्म छिंदवाड़ा में नहीं लगेगी। अगर छिंदवाड़ा में रिलीज होती है, छिंदवाड़ा में लगती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसका पूरा जिम्मेदारी टाकिज के संचालक होंगे। समाज हिंदी इस देश का राजपूत समाज
माँ पद्मावती के सम्मान में पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है, लेकिन जनता की अदालत में इस देश की मान मर्यादा और संस्कृति की रक्षा के लिए जिस माँ पद्मावती ने अपनी जान कुर्बान दी, इस देश की जनता, इस देश का हिंदू समाज सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का विरोध करता है। हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश की संस्कृति, इस देश के मान मर्यादा के साथ यदि खिलवाड़ होगा तो इस देश की जनता की अदालत में उस फैसले का सम्मान होगा। वो भले सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो, लेकिन इस देश की जनता इस माँ पद्मावती का सम्मान करती है, और इसलिए आज इस देश की जनता जनार्दन से, इस देश के हिंदू समाज से हम केवल निवेदन करने आए हैं कि माँ पद्मावती को टैकेज वाले ना लगाएं, और यदि किसी ने लगाया तो इस देश का नागरिक और जनता जनार्दन उस फिल्म का बहिष्कार करेगी। और छिंदवाड़ा के सभी ने इस माँ पद्मावती के फिल्म को न लगाने का हमें आश्वासन दिया है। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद भी वचन देने के बाद यदि वो पद्मावती फिल्म लगाते हैं तो उसके लिए फिर भविष्य में वो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे। भारत एक बहुत भाग्यशाली देश है। भारत को संयुक्त राष्ट्र बनाने में अगर किसी का पूर्ण योगदान रहा है तो राजपूत समाज के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है। और अगर हम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की सुरक्षा की हम बात करते हैं, नक्सलवाद से लड़ने की बात करते हैं, तो देश में हमारी राजपूताना रेजिमेंट के नाम से जो कई वर्षों से लगातार अपनी टुकड़ी अपना वहाँ पर अपने हमले करती है और अपनी लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को राजपूताना रेजिमेंट का सिपाही वहाँ वीरगति को प्राप्त होता है। रहे देश के अंदर की बात, तो देश के अंदर की बात में हमारे ऐसे कई धार्मिक संगठन और हिंदू संगठन जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। रही बात इस फिल्म की, जो पद्मावती फिल्म जैसे वो नहीं है, पर फिल्म में जो दर्शाया गया है, जो इतिहास को छेड़खानी कर रहा है, जो हमारे साथ हमारा हाथ हो रहा, हमारी आस्था का विषय, और जहाँ हमारी आस्था का विषय अगर आएगा तो वहाँ बढ़ चढ़ के वहाँ उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और अगर यह हमारा निवेदन अगर सुंदरकांड में राम के पास में एक प्रसंग आता है, बोले राम तत्वोत्तम भय भीन हुए न प्रीत, इसका सारांश यह है कि अगर हम निवेदन से अगर बात नहीं चलती तो हम ये हमारा भयभीत करने का हमारा मुद्दा था, और अगर इससे भी काम अगर नहीं चलेगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वो पूरी आज ताकत के संचालकों को हमने उनको आग्रह करके उनको समझाई दी है, अगर वो अगर इस फिल्म को लगाते हैं तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, राजपूताना जिंदा। खटीक समाज द्वारा आज संत उपास राव जयंती पूरे हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पूर्वी बुधवारी में सांस्कृतिक आयोजन संपन्न हुए। समारोह में महापौर कांता योगी सदरंग एवं पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विवेक साहू सहित वरिष्ठ सामाजिक सदस्य मौजूद थे। मकर संक्रांति की और नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और आप संत श्री उपास राव जी महाराज जी की भी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ऐसे ही सभी लोग, सभी समाज के मिलजुल कर ऐसे जयंती का कार्यक्रम, ऐसे
मनाते रहे, ऐसे में आप सभी से आशा और विश्वास करती हूँ और जो भी समाज के लिए मुझसे बनेगा तो मैं करूँगी और करते रहूँगी। यही आप सभी से निवेदन करती हूँ। स्वच्छता अभियान में आप लोग सभी लोग सहयोग करें, नगर निगम का आपका सहयोग ऐसे नगर निगम पे लगा रहा है, जैसे इसे आशा और विश्वास करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं आह्वान करता हूँ कि सभी हमारे जितने भी पालक यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और अपना एक राह चुनेंगे, क्योंकि हमारी जो कौम है प्रारंभ से ही एक लड़ाकू मेहनती कौम है। हम एक दूसरे की किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी आलोचना नहीं करेंगे, ऐसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ। वैसे वैसे हम लोग बहुत बड़े समाज है, पूरे देश में लगभग 1 करोड़ से ऊपर अधिक समाज है। केवल हम महाराष्ट्र के ही गरीब नहीं है, हमारे यहाँ पर और भी जो बागड़ी वगैरह है ये भी सब अपने ही समाज के लोग हैं। संत उपास राव जयंती पर आज खटीक समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संत उपास राव महाराज की जय करते हैं। अंग्रेज स्कूल में आज बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास पूर्वक सरस्वती पूजन कर मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। और
अध्यापकों के अलग अलग संवर्गों का शिक्षा विभाग में संविलयन होगा और अब एक ही संवर्ग होगा शिक्षा संवर्ग। 21 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा से खुशखबरी लेकर लौटे अध्यापक महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष पंजाब राव दरबईकर की अध्यक्षता में दीनदयाल पार्क में अध्यापकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अध्यापक महासंघ के हारून अख्तर, ताराचंद्र भलावी, आरिफ शेख एवं महेश भादे सहित पदाधिकारी एवं सदस्य साथी अध्यापकों ने अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और इस अहम घोषणा पर हर्ष व्यक्त किया। हमारे साथी थे जो अब नहीं रहे, जो औपचारिक स्तर से शायद उसके अध्यक्ष भी रहे, मुझे ज्यादा ध्यान है इस स्थान में, और हम लोगों को उनको भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, विशेष तौर पर हम 2 या 3 दिन से ज्यादा किसी घटना को याद नहीं रख पाते। हम ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति जीवित है या जो व्यक्ति मृत है, उसने हमें क्या सहयोग किया। हम एक एक का नाम यहाँ से ले देते हैं, लेकिन हम कुछ नामों को भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग गौर कीजिए, मेरे साथ वो तब भी नहीं थे, लेकिन उनका एक पीछे से मनोबल देने का काम जरूर था। वो पीछे से हवा देते थे कि नहीं यार जाओ शर्मा जी, हम तुम्हारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके निवास पर अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रमुख मांग पूरी की और शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा की। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। इस मांग को लेकर हम अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। इस मांग के पूरी होने से अध्यापकों में अत्यधिक हर्ष है। हम सारे अध्यापकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से उन्हें धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। इकरा कॉन्वेंट में आज का दिन सालाना जलसे के नाम रहा। वार्षिक उत्सव के अवसर पर रोचक खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया।
आदर्श शिव ओम विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कमी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तालियां बजी ही नहीं है। चलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सहारा तू ही श्री राम मंदिर प्रांगण में आज संत श्री चौबे बाबा की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ धार्मिक अनुष्ठान कर मनाई गई। इस अवसर पर भजन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। करवल माली मोहल्ला में प्रारंभ हरिनाम सप्ताह का आज विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। जाना है
ये हरिनाम सप्ताह 24 घंटे का श्री भद्राजी सातपुते के सुपुत्र श्री रामराव जी सातपुते के द्वारा 24 घंटे का हरिनाम सप्ताह यहाँ रखा गया नूनिया करवल माली मोहल्ले में सहने बड़ों के आशीर्वाद से और गांव खुशहाल रहे प्रदेश खुशहाल रहे हफ्ते का 24 घंटे का जिसका आज समापन हुआ और भंडारा ये तो थी अब तक की तमाम खबरें आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर के बाद आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर स्कूल में सफाई कर कचरा जलाने के दौरान ब्लास्ट झुलसी मासूम अभिभावकों ने उठाए सवाल जिला पंचायत सीईओ रोहित सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न लंबित पत्रों की हुई समीक्षा फिल्म पद्मावत के नहीं सुधर सके नक्षत्र राजपूत समाज ने शहर में सिनेमा हॉल संचालकों से की मुलाकात जताया शांतिपूर्ण विरोध और छोटा बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में मनाई गई संत श्री चौबे बाबा की जयंती पूजन अनुष्ठान के साथ हुए भजन सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार